तो हेलो गाइज अगर आपको 15000 की रेंज में छह जीबी की रैम और 108 मेगापिक्सल का कैमरा और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप फाइव बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे जो कि आपको की आपको पंद्रह की प्राइसिंग पर देखने मिल जाएंगे और हमने इन सभी स्मार्टफोन में काफी ज्यादा रिसर्च करके ये आपके लिए एक लिस्ट बनाई है तो ये सभी स्मार्टफोन आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन का मजा दे देंगे और ये सभी स्मार्टफोन अलग अलग ब्रांड के हैं जिसमें से एक नोन चाइनीज स्मार्टफोन भी है तो वह वीडियो में तक बने रहें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल और वीडियो के क्लिक जरूर करें चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बात करते हैं सबसे पहले पांच मिनट स्मार्ट स्मार्टफोन की तो वही स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है जिन्हें एक नून चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो जिन्हें एक नून चाइनीज स्मार्टफोन लेना है उनके लिए है सैमसंग गैलेक्सी टू फोर जी इस टाइम आरोप सैमसंग ब्रांड पहला ऐसा ब्रांड है जो की आपको फुल डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसमें आपको नॉक्स की सिक्योरिटी दी गयी है जो की आपके फोन को और भी ज्यादा सिक्योरिट कर देगा तो भाई बात कर भोर इंच की फुल एच डी प्लस सुपर एम डिस्प्ले दी गई है इस वजह से आप जानते ही हैं कि सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी कितनी अच्छी होती है और साथ ही इसमें सुपर एम डिस्प्ले दी गई है तो और भी अच्छी बात हो जाती है और साथ ही इसके नाइनटी एट का रिफ्रेशिंग रेट और साथ ही गोरेला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी दी गई है तो ओवरऑल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने मिल जाएगी बढ़ते आगे बात करते हैं कैमरा की जिसमें आपको क्वाड सेटअप मिलेगा जिसमें का मेन एट मेगा मेगा का माइक्रो और टू मेगा का डेफ सेंसर देखने मिल जाएगा और वही सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट में बीस मेगा का देखने मिल जाएगा वह इस प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें आप काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे और फोटोज के लिए ये स्मार्टफोन आपको काफी कमाल की क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा तो अब बात करते हैं प्रोसेसर की जिसमें दिया गया है मीरा टेक हिलियो जी का प्रोसेसर तो मोस्टली ये प्रोसेसर आपको आठ से दस हजार की रेंज पर देखने मिल जाता है बट वहाँ पर आपको नाइनटी एट का रिफ्रेश रेट देखने नहीं मिलता बट इसमें आपको डेली टास्क और मल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और साथ ही लो टू मीडियम सेटिंग में इसमें आप इजिली गेम खेल पाएंगे तो गाइज अगर आप पंद्रह की प्राइसिंग पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन आपके लिए सबसे सही रहेगा और वही इसमें साइड माउंट ऑफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और साथ ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन और साथ ही थ्री पॉइंट फाइव का ऑडियो जैक भी देखने मिल जाता है तो अब बात करते हैं इसके पावर की जिसमें छह हजार मेगा का बड़ा बैटरी दिया गया है जिसे चार्ज करने के लिए पंद्रह वोट का चार्जर इसके बॉक्स में ही मिल जाएगा और ये बता दू की स्मार्टफोन पच्चीस वोट के चार्जर को सपोर्ट करता है बात करें रेम स्टोरेज की चार चौसठ के लिए आपको चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे देने होंगे तो अगर आपको पंद्रह हजार की प्राइसिंग पर एक बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तब आप लोगों के लिए सैमसंग गैलेक्सी जी सबसे बेस्ट रहेगा तो बढ़ते और बात करते हैं चौथे नंबर के स्मार्टफोन की तो अगर पंद्रह हजार की प्राइसिंग पर एक फाइव जी स्मार्टफोन लेना है तब आप पोको एम थ्री प्रो फाइव जी को परचेज कर सकते हैं साथ ही इसमें आपको स्ट्रोक एंडर्ट का क्लीन एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा जिसमें आपको किसी भी प्रकार के ब्लॉड बेयर और एड्स वगैरह बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे तो बात कर डिस्प्ले की जिसमें आपको 6.5 पॉइंट फाइव इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले दी गई है जिसमें गेमिंग के लिए नाइन्टी एच का रेट और साथ ही ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है चलिए बात करें प्रोसेसर की जिसमें मीडिया टेक डायमेंड सिटी सेवन हंड्रेड का फाइव जी चिपसेट लगा हुआ है और ये स्मार्टफोन छह फाइव जी बैंड को सपोर्ट करता है और यहाँ पर आपको फाइव जी प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल देखने मिल जायेंगे फोर जी प्रोसेसर के कम्पेरिजन इसमें तो आप काफी फ्लेक्सीबल लेवल की गेमिंग कर पाएंगे और साथ ही डेली टास्क और मल्टी टास्क में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बात करें इसकी बैटरी तो इसमें आपको पांच हजार मेगा की बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए ट्वेंटी टू वोट का चार्जर इसके बॉक्स में ही मिल जाएगा और तो वहीं सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंट और साथ ही थ्री पॉइंट फाइव का ऑडियो जैक का सपोर्ट भी दिया गया है चलिए तो बात करें कैमरा की तो इसमें फोर्टी एट मेगा पिक्सल प्लस टू मेगा पिक्सल प्लस टू मेगा पिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और वहीं फ्रंट में एट मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी एक डिसेंट लेवल की देखने मिल जाएगी ज्यादा अपर लेवल की तो नहीं कहूंगा बात करें रैम स्टोरेज की तो इसके जीबी रैम चौसठ जीबी स्टोरेज के लिए आपको चौदह हजार चार सौ निन्यानवे रूपए देने होंगे सो गाय अगर आपको फाइव जी स्मार्टफोन लेना है पंद्रह हजार की पर, तब आप इस स्मार्टफोन के तरफ जा सकते हैं तो बढ़ते आगे बात करते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन की तीसरे नंबर आरोप आता है रियलमी एट सो so गाइज अगर आपको पंद्रह हजार की प्राइसिंग पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तब आप इसे ले सकते हैं बात करें डिस्प्ले की की फुल एच डी प्लस सुपर रेमरेटेड डिस्प्ले दी गई है साथ ही गेमिंग के लिए सिक्सटी हट का रिफ्रेसिंग रेट साथ ही वन एट्टी हट का टच रेट भी दिया गया है डिस्प्ले so, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी दी गई है बात करें प्रोसेसर की मीरा टेलि जी नाइन्टी फाइव का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है तो इसमें आप हैवी गेमिंग इजीली कर पाएंगे और साथ ही इसमें डेली टास्क और मल्टी टास्क में कोई भी, को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और साथ ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन और थ्री पॉइंट फाइव का ऑडियो जैक भी दिया गया है बात करें कैमरा की तो इसमें आपको सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा और वही फ्रंट में सोलह मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और वही इसके बैक कैमरे से आप फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे थर्टी एफ पर एस कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है काफी अच्छे फीचर्स इसमें आप क्लिक कर पाएंगे बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 5000 हजार की बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए 30 वोट का डार्क चार्जर इसके बॉक्स में ही मिल जाएगा बात करें रैम स्टोरेज की छह जीबी रैम एक जीबी स्टोरेज के लिए आपको सोलह हजार देने होंगे बट अगर बैंक ऑफर वगैरह अप्लाई करके ये स्मार्टफोन आप चौदह हजार ऐसी की प्राइसिंग आरोप पर परचेज कर पाएंगे तो गाइज अगर आपको रियलमी की ब्रांड के हिसाब ऐसी एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तब आप इस स्मार्टफोन फोन परचेज कर सकते हैं बढ़ते आगे बात करते हैं दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की तो दूसरे नंबर पर आता है रेडमी नोट टेन एस इस स्मार्टफोन को हमने दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि क्यूँकी स्मार्टफोन आपको छह जीबी रैम चौसठ जीबी स्टोरेज के साथ पंद्रह हजार की प्राइसिंग पर देखने मिल जाता है साथ ही इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं और वहीं इसमें सिक्योरिटी के लिए आई पी का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है जो की आपको रियलमी एट में देखने नहीं मिलता बात करें डिस्प्ले की इसमें आपको सिक्स पॉइंट इंच की फुल एच प्लस सुपर एमरेटेड डिस्प्ले दी गई है और वही गेमिंग के लिए सिक्सटी हज का रिफ्रेश रेट और गोरेला ग्लास थ्री की प्रोटेक्शन दी गई है और वही मीडिया टेलो जी नाइन्टी फाइव का प्रोसेसर दिया गया है और वहीं पाँच हजार मेगा की डिसेंट बैटरी और थर्टी थ्री वर्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है और वहीं इसके छह जीबी रैम एक सौ अट्ठाईस जीबी स्टोरेज के लिए आपको पंद्रह हजार चार सौ निन्यानवे देने होंगे तो जिसे रियलमी के स्मार्टफोन पसंद नहीं वो रेडमी की तरफ भी जा सकते हैं बढ़ते आगे और बात करते हैं पहले नंबर के स्मार्टफोन की पहले नंबर आरोप आता है मोटो जी सिक्सटी गाइज आप सभी जानते हैं ये स्मार्टफोन सबसे जबरदस्त है क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है सिक्स पॉइंट सेवन इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले जिसमें वन ट्वेंटी का हाई रेट का सपोर्ट दिया गया है तो काफी अच्छी स्मूथनेस इसमें आपको देखने मिल जाएगी और वहीं इसमें वालकोम स्नेपड ड्रेगन सेवन का प्रोसेसर दिया गया है जो कि आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे देगा और इससे आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग में इजीली खेल पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कैमरा की जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और वहीं फ्रंट में बत्तीस मेगा का सेंटर पंचो सेल्फी कैमरा दिया गया है तो इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे ऐसी फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे थर्टी एफ पर वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी देखने मिल जाएगी और इसके दोनों कैमरे से आप काफी हाई लेवल की पिक्चर क्लिक कर पाएंगे साथ ही इसमें हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने मिलता है और वहीं सिक्योरिटी के लिए रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है तो चलिए अब बात करते हैं बैटरी की जिसमें तो आपको छह हजार मेगा बड़ा बैटरी देखने मिलता है जिसे चार्ज करने के लिए बीस वॉट का टर्बो चार्जर दिया गया है बात करें रैम स्टोरेज की तो छह जीबी रैम एक स्टोरेज के लिए आपको पंद्रह हजार देने होंगे तो गाइज अगर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस हाई कैमरा क्वालिटी और बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप मोटो जी को परचेज कर सकते हैं मैं भी इसे पर्सनली यूज कर रहा हूँ इसकी पिक्चर्स क्वालिटी तो काफी अच्छी है तो गाइज ये थे पंद्रह हजार वाले पांच सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आपके छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो एक लाइक जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग